तो वीवीएम मैक्रो प्रोग्रामिंग में हम जो है बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए, शुरुआत में एल्गोरिदम नहीं बना रहे हैं आप, तो एक काम कर सकते हैं कि आप जैसे जैसे एक्सेल पे करेंगे ना, उसी तरीके से आप कुछ की कोडिंग लिखते चले जाए। जैसे कि मुझे यहाँ पे मंथ लिखना है, क्या लिखना है, मंथ लिखना है। तो क्या है आपका A3, तो यहाँ हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्रो अंडरस्कोर वन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे लिखता हूं मैं रेंज A3 डॉट वैल्यू इक्वल टू मंथ, ठीक है। फिर मैं यहां पे मंथ देना चाहता हूं, डेट देना चाहता हूं, जैन फेब जो भी हो डेट वो देना चाहता हूं। तो जो जो डेट है वो मैं चाहता, जो मंथ है मैं चाहता हूं कि इनपुट बॉक्स में जो बंदा जो टाइप करे वो यहां पे आए, ठीक है। तो यहां हम देते हैं कि रेंज B3 डॉट वैल्यू इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहां पे हमने लिख दिया कि एंटर मंथ। तो रन करते ही वो पूछेगा मंथ, वो मंथ यहां डाल देगा, जैसे कि जैन है तो यहां पे जैन। यहां पे जैन डाल, ठीक है। अब यहां हम 7 में सीरियल नंबर डालना चाहते हैं, सीरियल नंबर एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं। तो यहां हम देते हैं रेंज, और यहां पे देते हैं A7 डॉट वैल्यू इक्वल टू सीरियल नंबर। फिर इसके बगल में मैं नेम करना चाहता हूं, प्लस नेम, तो इसके लिए कोड यहां लिखेंगे रेंज। लेकिन आपने जो बनाया वो मुझे भेजा नहीं सर, आपको मैंने क्या बोला था कि आप जो भी बना रहे हैं वो मुझे मैं भेज दीजिए। स्क्रीन शेयर कर दो सकता हाँ, स्क्रीन शॉट हो, इसकी कोडिंग हो, फाइल हो, वो आपको स्क्रीन भेजना चाहिए सर। अभी स्क्रीन शेयर करो। सर, आप स्क्रीन शेयर की बात नहीं हो रही ना, आप जब बना रहे थे जहां प्रॉब्लम हो रही थी उस समय आपने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, जब मैं बोल रहा हूँ कि जब भी प्रॉब्लम हो मुझे स्क्रीन शॉट भेजा कीजिए, प्रॉब्लम में सोल्यूशन दे दूंगा, आपने नहीं किया। मैंने कहा कि पूछ लूंगा, ये पूछने की सोल होगी। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हर काम आप इस तरह से मैं कर करके दिखाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, सब मुझसे ही करवाइएगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, करना आपको है ना, मुझे तो आपको मार्गदर्शन देना है ना, आप समझ रहे ना। वही मैं कह रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। सर, अभी आप शेयर कर रहे हैं, आप कल इस चीज को बता दिए, स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो प्रॉब्लम मैं कल ही सॉल्व कर देता, अब तो मैं बता ही रहा हूं। जहां पे कल अटक गए वहां मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहिए, मैं बोला जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है उस समय स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, यहां पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग DOJ। मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं कि आपने नहीं किया, आप मुझे झूठ बोल रहे हैं, नहीं, मैं बोला जहां पे आप अटक गए वहीं पे चाहिए ना आपको जरूरत। उस समय क्या होता कि अगर मैं बता देता कि देखिए यहां पे ऐसे कीजिए तो आपको चीजें दिमाग में हिट करती और आप उसको कभी भूलते नहीं, समझ गए ना। मतलब जब भूख लगी हो तभी तो खाना चाहिए ना सर, जब जहां पे प्रॉब्लम है, जहां आप अटक रहे हैं उसी समय ना आपको सोल्यूशन चाहिए हो। अब यहां पे मुझे डेट चाहिए, तो यहां पे जो डेट हम बनाएंगे वो कल क्या बताया था मैंने आपको कि 1 डैश पहले फॉर्मेट बना दीजिए। कॉन्केट नेट में हमने जैन लिया, फिर एन परसेंट डैश 2023, यही था ना सर। और इसको ब्रैकेट में क्या करना है, प्लस 0 करना है ताकि डेट में कन्वर्ट हो जाए, डेट वैल्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अब इसको मैंने यहां से कॉपी किया और यहां D7 में डाल, रेंज
डॉट वैल्यू इक्वल टू इन इन्वर्टर कॉमा हमने पेस्ट कर दिया। हाँ, इसको डबल इन्वर्टर कॉमा डालना पड़ेगा, जहां जहां इन्वर्टर कॉमा है वहां वहां डबल इन्वर्टर कॉमा देना होगा, ताकि सिस्टम समझ जाए कि इसको इन्वर्टर कॉमा बाहर प्रिंट कर। अब मैं यहां E7 में इसी को प्लस करना है, इसको यहां से इस तरह से प्लस वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला डाल। यहां पे हमने लिखा रेंज E7 डॉट वैल्यू इक्वल टू डाल। अब आप यहां पे अटक रहे थे ऑफसेट में, राइट। अब ऑफसेट जी को मैं अलग समझाता हूं, रुक जाइए, तब समझ में आएगा आप। जैसे मैं यहां पे आता हूं, मैं लिखा रेंज A1 से लेके A10 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। तो क्या करेगा, A1 से लेके A10 को सिलेक्ट कर लेगा। अब यहां पे मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता कि A10 होगा या 20 होगा, मुझे ये पता है कि जहां पे कर्सर है वहां से 9 रो नीचे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पे हम लिखेंगे रेंज A1 डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में मैंने 9 रो और 0 कॉलम लिख दिया, समझे आप। तो ये क्या करेगा कि जी जी यहां पे 9 रो दे दिया, समझे कि नहीं। चलो अब ये समझ में आया आपको अनिल जी। चलिए डबल रेंज है ना, ये थोड़ा सा डबल रेंज, अब ये कहने का मतलब ये है, यहां पे देखिए हमने क्या बताया, ये बताया तो यहां पे स्टार्टिंग है और यहां पे एंडिंग है ना। जब भी रेंज हम मतलब सिलेक्ट ये करते इसका हैं सही है। तो उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग सिलेक्ट करते हैं ना। तो अगर आपको पता है कि ये टेन है तो ये टेन डाल देंगे, अगर पता नहीं है तो यहां पे सर आपको कैसे लिखेंगे, ऑफसेट डायरेक्ट थोड़ी दे देंगे, क्योंकि ऑफसेट डायरेक्ट यहां थोड़ी लिखेंगे सर कि आप इस तरह से ऑफसेट कर दिया और यहां पे हम 9,0 कर देंगे, ये थोड़ी लेगा सर, तो गलत हो जाएगा ना सर। क्योंकि सिस्टम बोलेगा किसका ऑफसेट, देखिए गलत हो गया, सिस्टम बोलेगा किसका ऑफसेट। तो ऑफसेट क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है। अब यहीं पे मैं मान लीजिए कि डॉट वैल्यू सिर्फ लिख दिया तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, डॉट वैल्यू तो किसका वैल्यू, और रेंज तो देना पड़ेगा ना। हाँ तो जैसे कि एक फाइनल रेंज हुआ जो कि रेंज ले रहा है, उसके अंदर स्टार्टिंग A1 है लेकिन एंडिंग हमें नहीं पता, एंडिंग हमें ऑफसेट से लेना है, लेकिन डायरेक्ट ऑफसेट नहीं लगा सकता ऑफसेट से पहले, तो ऑफसेट भी तो बोलेगा ना मैं कहां से गिनती शुरू करूं, क्योंकि ऑफसेट इसको कंसीडर तो नहीं करेगा ना कि A1 को, वो तो बोले बताओ मैं कहां से गिनती शुरू करूं। तो ऑफसेट को गिनती शुरू करने के लिए यहां देना पड़ेगा ना रेंज A1, ठीक है। तो यहां पे हमने दो कोड को मर्ज किया, हमने क्या किया दो कोड को मर्ज किया। इस सिलेक्शन मेथड वाली क्लासेस को आपने ध्यान से नहीं देखा इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। सिलेक्शन मेथड में मैंने समझाया था कि VVA के अंदर किसी भी रेंज को देखने का दो तरीके, लिखने का दो तरीके, जैसे A1 से लेके हम A10 करते हैं इस तरह से। तो ये हो गया एक्सेल का मेथड, किसका मेथड हो गया एक्सेल का, जैसे कि एक्सेल में हम करते हैं ना इक्वल सम लगाते हैं और सम में हम ये सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम बन रहा है ना सर बात। और VVA का मेथड जो होता है कि VVA के मेथड में हम दोनों को स्टार्टिंग और एंडिंग कर देते हैं। तो ये क्या VVA क्या करता है कि यहां पे गया शिफ्ट को सिलेक्ट किया और यहां पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हम जो फॉर्मूले लगाते हैं ना, तो फॉर्मूले में तो हमें फॉर्मूले के अंदर ही तो फॉर्मूले डालते हैं कि नहीं डालते, एक इफ के अंदर दूसरा इफ डालते तीसरा इफ डालते। आप बोलेंगे सर आपने दो इफ डाल दिया समझ में आया, तो दो इफ की जरूरत थी तो डाला। तो यहां हमें
यहाँ पे जो 10 है, मुझे 10 के बारे में नहीं पता है कि यहाँ पे डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कुछ लिखा, मैं चाहता हूं कि ऊपर से ये नीचे नीचे आ जाए यहाँ, तो हम एंड वाला मेथड यूज करना चाहते हैं। तो एंड वाला मेथड यूज करने के लिए हमें स्टार्टिंग पोजीशन तो देना पड़ेगा ना। यहाँ हम लिखेंगे रेंज A10, सॉरी A1 डॉट एंड एक्सलेस डाउन। ये तो बताया था ना आपको, याद होगा। तो यहां से कर्सर लेगा और कंट्रोल से एंटर करके नीचे जाएगा और दोनों को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहां इस रेंज को स्टार्टिंग पोजीशन में मैनुअल दे दिया है, एंडिंग पोजीशन जो A7 है वो A7 A कोड दे देगा। ठीक है, समझे आप? तो यहीं पे हम सीट 1 पे अगर आते हैं, तो सीट 1 पे मुझे सबसे पहले तो निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज है कितना। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डी लेते हैं और यहां पे देते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ। ईओ मंथ तो पता होगा आपको, ईओ मंथ। और यहां पे अब यहां पे हम डायरेक्ट डी क्या बोलते हैं 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि तो हमें यहाँ पे जो भी रेंज देना है वो VVA के मेथड से देना है, समझे? तो यहां पे हमने कर दिया रेंज, रेंज में हमने दे दिया ए नहीं डी, D7 और कॉमा 0 कर दिया। इसने क्या किया, इसने इसका लास्ट डेट निकाल के दे दिया। जैसे कि यहां पे हम लोग निकाल लगाते हैं ना, राइट क्लिक ईओ मंथ, तो क्या देगा, लास्ट डेट। कॉमा 0। अब मुझे यहां पे डे का फॉर्मूला चाहिए, तो जो कि 31 निकाल के दे। तो अगेन यहां पे डी इक्वल टू हमने डे कर दिया और यहां पे हमने अगेन डी इसी के अंदर डी डाल दिया, तो डी पे डी का डे अलग हो जाएगा। अब एक कोड समझ में आया, कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे यहां पे लेना है। अब देखिए यहां पे करना है रेंज, रेंज में स्टार्टिंग जो है हमारा वो क्या है, E7, E7 है। और एंडिंग के लिए हमने बोला रेंज E7 डॉट E7, सॉरी बनाना पड़ेगा E7 डॉट ऑफसेट। अब रो तो सेम होगा, हम कॉलन में डी करते हैं, पर डी डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, क्यों? क्योंकि डी पे 31 है और 2 तो ऑलरेडी है ना, डी माइनस टू करेंगे। क्या करेंगे, डी माइनस टू और डॉट हम करेंगे फिल राइट। फिल राइट होता है ना। अब इसको एक बार रन करके देखिए, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहां से रन करता हूं, रन करते पूछा मन, मैंने दिया यहां पे जय और करता हूं ओके। देखिए ये कहां तक पहुंचा, और 1 मिनट इसको कंट्रोल हैश करते, 31 जन तक आ गया, परफेक्ट है एकदम। अभी चलेगा। हाँ फरवरी करेंगे तो फिर वो कम होगा। यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे पहले एक मिनट का एक काम और करता हूँ, मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसी को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, E7 से ले के जगह पे हमने यहाँ पे कर दिया ये कौन सा है, D7। तो यहाँ पे E7 की जगह पे हमने कर दिया D7 और यहाँ पे D7 और ऑफसेट के अंदर में माइनस जो लगा रखा है उसको हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ फिर राइट नहीं होगा, यहाँ होगा नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट इक्वल टू हमने कर दिया DD, सिर्फ 2 डेट दिखेगा,
आप देख, अब जैसे आपने बोला कि फरवरी पे होगा, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फरवरी के लिए यहाँ पे फैब कर, ठीक है। अब देखिए आप, तो डी से स्टार्ट है, नंबर भी चेंज हो गया, और ये देखिए आपका 28 तक आया। आना सर, अब मुझे यहाँ ऊपर D6 में फॉर्मूला लगाना है टेक्स्ट का, जैसे यहाँ पे लगाते हैं हम कि टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कर दिया डी डी डी, ताकि सैटरडे संडे आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज D6 डॉट वैल्यू इक्वल टू इन्वर्टर को हम इक्वल टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हमारा हो जाएगा D7 और डबल इन्वर्टर कॉमा में डी 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 हमने डाला, ठीक है। अब फिर जो है हम देंगे यहाँ पे रेंज D6 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड कहाँ होगा, तो रेंज क्या लगाएंगे इसमें, बोलिए कितना सर। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और रेंज ऑफसेट, D6 ऑफसेट और हम यहां पे देंगे और D-1, D -1। तो क्योंकि हम यही सिलेक्शन कर रहे हैं ना सर, इसलिए, ठीक है। और यह हो जाएगा फिल राइट, राइट अब यहां पे रन कीजिए। रन करते ही पूछा है मंथ, तो यहाँ पे जैन दे दिया और हम करते हैं ओके। देखिए संडे मंडे ट्यूजडे आ गया, तो एक बार देख लेते हैं कोई ज्यादा कम तो नहीं है। 31 तक है ऊपर फॉर्मूला, नहीं लगा है, तो हम नेट 31 तक गया है। तो यहाँ लूप की जरूरत पड़ी, तो हम एग्जाम्पल इसलिए दे नहीं रहे हैं कि हम विदाउट लूपिंग भी कुछ कर सकते हैं, हालांकि लूप से तो किया जा सकता था, तो लूप से करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि अभी लूप को अच्छे तरीके से आपने समझा नहीं। एक या दो एग्जाम्पल तो लूप की मिली है आपको, तो बगैर लूप के भी किया जा सकता है, क्योंकि कई बार हमें लूप की पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि लूप लगाते तो फिर एक एक सेल में जो दिख रहा है आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं आता ना, डेट वगैरह, तो यहाँ भी लूप लगाना पड़ता, इसमें भी लूप लगाना पड़ता, दोनों में अलग अलग कंडीशन देनी पड़ती, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिंग हो सकती है। यही आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो कहाँ समझ में आता। तो बाकी बाकी काम तो बिल्कुल, कर लेंगे आप अब। मैं बाकी कर लूंगा। ओके।